व्हेन इट कम्स अप टू एजुकेटिंग योर चाइल्ड, कोई भी चीज कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने 18 महीने के टॉडलर को नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। इसी तरीके का एक वीडियो लेटर्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक कर दूंगी। ऑल्सो मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके के एजुकेटिव के लिए, तो अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं, आप लोगों को पता है आप लोगों को मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू पीपल गाइड मी ऑन दिस थिंग कि आप लोगों को इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मैं एक 18 महीने के टॉडलर को नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें और आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्वांटिटी और न्यूमरल्स के बीच में बहुत फर्क होता है। न्यूमरल्स जो होते हैं वो सिंबल होते हैं हमारे, और क्वांटिटी जो होती है वो एक एक्चुअल क्वांटिटी होती है, एक एक्चुअल वैल्यू होती है कि ये चीज़ इतनी इतनी है। तो जब ये डिफरेंस हम और आप समझ जाते हैं, तभी हम और आप अपने बच्चों को इस डिफरेंस से वेलवर्स करा सकते हैं। सो इट शुडंट कम टू यू पीपल एज अ सरप्राइज। जो सबसे पहली चीज़ मैं यूज़ करती हूँ ऐसा करने के लिए वो है फ्लैश कार्ड्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये मीडियम साइज के फ्लैश कार्ड्स हैं, ये हंग्री ब्रेन्स के ही फ्लैश कार्ड्स हैं। इसमें न्यूमरल्स क्लियर बेसिस पे दे रखे हैं, 0 से लेके 10 तक से मैं डील कर रही हूँ एट द मोमेंट व्हेन इट कम्स अप टू माय चाइल्ड। तो ये न्यूमरिक्स हैं और यहाँ मेरे पास में क्वांटिटी अवेलेबल है, तो मैं उसके लिए दोनों चीजों को क्लियर कर पाती हूँ, न्यूमरिक्स को भी इन्हीं फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से और क्वांटिटी को भी इन्हीं फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से। अनलाइक अल्फाबेट्स, बिकॉज अल्फाबेट्स आर बोरिंग, न्यूमरल्स जो होते हैं वो इतने बोरिंग नहीं होते हैं, एंड इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेन सेल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसी वजह से मैं नंबर्स जब मैंने इंट्रोड्यूस किए तो मैंने उसको लिमिट नहीं किया है किसी भी चीज में। ऐसा नहीं है कि मैं 0 से लेके 10 तक की ही उससे बात करूंगी, 20 तक भी बात कर लेती हूँ, 30 तक भी बात कर लेती हूँ। सो अगली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये मेलिसा एंड डक की पजल है। अब पजल इस वजह से क्योंकि उन लोगों को टच करके बच्चों को ये पता चल जाता है, प्लस सॉर्ट करके इसे कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ लगानी है, इससे ये पता चल जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है पर्टिकुलर नंबर की, कि अगर मैं 4 की बात कर रही हूँ तो 4 ऐसा दिखता है और 4 इतना क्वांटिटी में होता है। ये इस वजह से भी ये पजल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो मेरा माइंडसेट था अबाउट द क्वांटिटी एंड न्यूमरिक्स, उसके साथ में ये बहुत अच्छे से सेट होकर के बैठती है कि 0 है तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, और अगर हम बात इस मोमेंट बात 6 की कर रहे हैं तो यहाँ 6 डकलिंग्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे 9 फ्लावर्स अवेलेबल हैं। तो आप बच्चे को सिंबल के साथ में क्वांटिटी भी इसकी हेल्प से सिखा सकते हैं। और विवान इस पूरी पजल को सॉर्ट कर चुका है, उसे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है क्या कहाँ लगता है, कौन सी चीज़ क्या है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम व्हेन इट कम्स अप टू दिस पजल। नेक्स्ट वंस अगेन आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट अ मेलिसा एंड डक टॉय। ये ट्रेन जो है वो शायद आपने एक आध बार पहले भी देखी होगी, लिंक आपको हर एक चीज जो मैं दिखा रही हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं इनमें से कोई भी चीज अगर आप परचेज करना चाहें तो। ये 18 पीसेस का एक ट्रेन किट है जो मुझे उसे पीसेस नंबर्स सिखाने में भी हेल्प करता है और शेप सिखाने में भी हेल्प करता है। लेट मी जस्ट शो यू पीपल। सो अगर आप इसे ब्रेक करना चाहेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, प्लस ऐसे भी ब्रेक हो जाएगा। उप्स, सॉरी। सो हम 18 पीसेस को अलग करके रीअसेंबल करने की प्रोसेस में 1 से लेके 18 तक के नंबर्स को भी रिवाइज कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरिक्स नहीं। अगली चीज जो है वो मेरे बेटे का डूडल प्रो है। ये मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। इसको भी मैं इसी तरीके से यूज करती हूँ कि न्यूमरिक्स और क्वांटिटी दोनों चीजें साइड बाय साइड चले। तो अगर मैं बात 0 की कर रही हूँ तो आप यहाँ पे क्वांटिटी साइड पे कुछ नहीं देखेंगे, और अगर मैं बात 1 की कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई भी एक चीज मैं उसके लिए ड्रॉ कर दूंगी, कोई भी छोटी बड़ी चीज मैं उसके लिए ड्रॉ कर दूंगी। जब हम बात 2 की करेंगे तो यहाँ क्वांटिटी भी डिफर कर जाएगी। इस तरीके से मुझे एक ही पेज पे 2 अलग अलग चीजें गाइड करने का उसको मौका मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस डूडल प्रो। व्हेन इट कम्स अप टू एजुकेटिंग योर चाइल्ड,
कोई भी चीज़ कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है। आप हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से बना सकते हैं चीज़ों को, और बड़ी बड़ी चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। एक नॉर्मल कॉपी पे भी आप वो काम कर सकते हैं जो मैं इस डूडल प्रो पे कर रही हूँ। इट्स जस्ट इंटरेस्ट क्वोशेंट जो है वो मैंने इसके थ्रू मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इसके इरेजर की जगह आप नॉर्मल इरेजर यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल स्लेट को यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डूडल प्रो ही खरीद लें, मगर हाँ ये पैटर्न जो है उसे आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। तो बात अगर हम नंबर्स की करें और क्वांटिटी की करें, तो सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो ये होता है कि आप किसी भी जगह पे न्यूमरल्स जो है वो बच्चे के लिए क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों के लिए अमेज़ॉन से 50 बॉल्स का ये एक सेट खरीदा था। इसकी सबसे बेहतरीन खासियत जो मुझे बहुत बाद में पता चली, जो मैंने सोचा भी नहीं था उस वक्त, मेरे लिए सिर्फ बस एक एंटरटेनमेंट की चीज़ थी कि दो बच्चे हैं तो एंटरटेन किस तरीके से होंगे। पर आज की डेट में मैं ये जानती हूँ कि उन 50 बॉल्स में से जब मैं उनसे कहती हूँ कि 10 बॉल्स तुम लो और 10 बॉल्स तुम लो, और वो दोनों 10-10 बॉल्स उठा लेते हैं, तो मुझे ये मालूम होता है कि हाँ क्वांटिटी रिकग्निशन जो है वो उन बॉल्स की हेल्प से भी बहुत आसानी से हो रहा है मेरे बच्चों को। तो आपके पास में इस तरीके का कोई सेट हो, कोई भी चीज़ इस तरीके की हो जो न्यूमरल्स पे बेस हो रही हो, ये नेसेसरी नहीं है कि हर चीज़ आप मेरे हिसाब से ही बताएं बच्चे को। आप रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए अपने बच्चे की इमेजिनेशन, या अपनी इमेजिनेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन सर्टनली गो अहेड, यूज़ न्यूट्रिलाज, यूज़ किचन टाइल्स, यूज़ स्पूंस, क्योंकि स्पून्स के नॉर्मली सेट्स जो होते हैं हमारे वो 10 स्पून्स के तो हर हालत में होते हैं, 12 स्पून के हर हालत में होते हैं। तो 1 से लेके 12 तक की क्वांटिटी तो आपके पास चम्मचों तक में अवेलेबल है। घर में किचन में जो टाइल्स लगे होते हैं उसमें आप काउंटिंग करा सकते हैं। न्यूट्रिला प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, मुंह में भी डाल लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि सोलो कर लिया तो कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल न्यूट्रिला है वो भूल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो आप इस तरीके से न्यूमरिकल्स को तो आप बहुत आसानी से टीच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। चलते चलते टाइल्स गिनवाते रहते हैं, हम लोग मार्बल की फ्लोरिंग है तो स्क्वायर्स गिनवाते रहते हैं। इट्स जस्ट रियली वेरी सिंपल टू टीच देम व्हेन इट कम्स अप टू द क्वांटिटी वाला स्टाफ। सो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि हर चीज़ में आप किस तरीके से क्वांटिटी को रिकग्नाइज कर सकते हैं। न्यूमरिक्स आपको लिखे हुए हर जगह नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, मगर क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी जगह पर ढूंढ सकते हैं। चार पत्तियां उठा के लॉन में आप बच्चों को दिखा सकते हैं, 1 leaf, 2 leaf, 3 leaf एंड 4 leaves। सो इट्स रियली वेरी वेरी, इट्स दैट सिंपल एंड दैट ईजी। इट्स जस्ट आपको बस सोचना है कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे के साथ में हर मोमेंट पे गाइडेंस को इनकॉर्पोरेट करना है। सो ये रहे मेरे कुछ सजेशंस अबाउट हाउ यू कैन गो अहेड एंड डील विद न्यूमरिकल्स व्हेन इट कम्स अप टू योर चाइल्ड, एंड द क्वांटिटी, द एक्चुअल क्वांटिटी व्हेन इट कम्स अप टू योर चाइल्ड। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो थोड़ा प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye.